अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक का, जुमे का दिन है और अभी जुमा पढ़ना है, तो आज शायद गाड़ी की तरफ ना जाने हो। मैं की नमाज़ पढ़ के आए, बात ये कर रहा था कि आज जुमा और जुमे को पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर छुट्टी होती है और इस वजह से आज तो गाड़ी की अपडेट्स, लेकिन मेरे पास वीडियोस हैं, फ्रंट बम्पर उसका ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, उसके बारे में अपडेट दूँगा आज आपको। और नेक्स्ट कल आपको वीडियो के फॉर्म में गाड़ी की जो है ना फ्रंट बैक बम्पर की प्योर डिटेल्स, और अब उसके साइड पे पैनल्स भी लग चुके हैं और उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताएंगे। इस वीडियो में बात करते हैं फ्रंट बम्पर के बारे में, तो ये देखें अब आप। ये रही जी हमारी गाड़ी और ये इसकी लुक थी इसके बम्पर बनने से पहले की, और ये इसकी चादर के ऊपर रखा गया है जिस बम्पर की सेटिंग हो रही है, और बस इसको अभी फिट करके तो इसके साइडों पे कट दिए जा रहे हैं मॉडिफिकेशन के लिए। ये देख सकते हैं आप पिक्चर्स के अंदर, और ये इसको कट दे के इसकी शेप बनाई जाएगी। ये बम्पर की लुक क्या है, इसकी दरमियान के अंदर से ये कट निकाला गया, इस जगह पे जाली फिट हो जाएगी कट के अंदर, और इसके साइडों के ऊपर कोई शेप बना के ना इसकी मतलब बम्पर को जो है ना सही स्पोर्ट की लुक देगा वो। हाँ जी, और ये लाइटों के लिए इसकी आंखें बन चुकी हैं दो, और ये हमने पेपर के एक डॉट कटवा के ना तो इसको एक साइड पे ऐसे इसके मतलब उसके आउटलाइट करके इसको बना के उसको दूसरी साइड पे उल्टा करके तो ये हमने इसकी आंखों की शेप ऐसे बनाई है, और ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया, हमारा अपना डिज़ाइन, और देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लुक लग रही है इसकी यार। ये तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस अब इसमें जाली लगेगी इनकी साइडों पर, इसके साइडों वाली जगह पे, और ये सामने तो जाली लग चुकी है, और अब इसके सेंटर में जाली देखे रख के देख रहे हैं कि कैसी लगेगी, और अब इसको अंदर फिट किया जाएगा। और देख सकते हैं कि अभी जिस कलर भी नहीं हुआ है और इतनी ज़बरदस्त लुक आ रही है ना बम्पर की, और कहीं से कॉपी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत बिल्कुल अपने माइंड का डिज़ाइन और ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। हाँ जी जनाब, और ये रही फाइनल इसकी लुक, और आप देख सकते हैं कि यार इस बम्पर की ग्रेस कितनी ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग निकली है। इसकी साइडों पे जो इसकी आंखें बन गई है, और दरमियान में इस जगह पे नंबर प्लेट वाली जगह है, इसके पीछे जाली लग गई है, और ऊपर वाली जगह पे हमने इसको कट लगवा के तो ये जाली इस पर भी लग चुकी है, और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है, देख सकते हैं आप, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अब देखने भी, और कैसे था बम्पर अभी कैसे हो गया है, और इसके पैनल साइड पैनल्स का भी काम डन हो चुका है। और अभी जस्ट जितनी वॉइस ओवर में वीडियोस थी यही थी, और नेक्स्ट वीडियोस इसकी वीडियो फॉर्म में भी होगी, और इसकी भी अभी आप स्किप मत कीजिएगा, नेक्स्ट देखिएगा कि इसके आगे वीडियो फॉर्म में मेरे पास एक वीडियो है वो भी इसके साथ अटैच करी जाएगी। और देख सकते हैं कि बम्पर की लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, अभी ये जस्ट अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसकी एक शेप बनाई है, जब ये कलर होगी और इसके साइड पे पैनल पीछे वाला बम्पर इसका हर चीज़ जब ओके रेडी हो जाएगा ना, और ये वाकई एक स्पोर्ट लुक देगी, और बहुत मज़े का साउंड इसका होगा, ठीक है, और इसकी जो लुक इसकी कंडीशन हर चीज़ इंशाल्लाह अमेजिंग होने वाली है। फाइनली कार की लुक है इसके बम्पर की, देख सकते हैं आप, और ये रहा जी इस गाड़ी का ओवरऑल व्यू, इसके ये बैक बम्पर्स और इसके साइड्स जो इसके कट हमने इसको दिए हैं बैक बम्पर्स के, और इसकी जो लाइटें वगैरह यहाँ पे भी लगेंगी वो चीज़, और अभी जो इसका मतलब जितना भी अभी ये ओके हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है, इसके पैनल वगैरह भी लग चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये फ्रंट बम्पर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है यार, बहुत मुझे खुद देखने को मतलब बहुत नाइस लग रही है। और ये थी हमारे इस होंडा सिविक 1984 मॉडल की जो बम्पर्स की डिटेल अपडेट्स थी।